तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे सभी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो फाइनली दोस्तों मार्केट में एक ऐसी SMD आ चुकी है जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेंस करके अपने आप काम कर सकती है। अब तक की जो हमारी SMD थी उनमें क्या है कि हमें मैनुअली टेम्परेचर को सेट करना पड़ता था। अगर आपने देखा हो जब आप प्लास्टिक वगैरह कनेक्टर उतारते थे उससे तो कनेक्टर जो है जल जाता था क्योंकि उसका जो टेम्परेचर जो है वो हाई होता था। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो जैसा कोई भी प्लास्टिक का जो कनेक्टर होता था वो हमारा जल जाता था। ये जो SMD जो मार्केट में आई है इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, टेम्परेचर को सेंस करके अपने आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकती है। तो दोस्तों मैंने भी SMD मंगाई थी, तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या कुछ इसमें फीचर है और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये वो SMD है ये जो है मेरे को 3500 रुपये में पड़ी, और एक कोरियर चार्ज इसमें ऐड था। अभी एक दो दिन पहले ये पार्सल मेरे पास आया, तो अब तक जो है मैंने इसको ओपन नहीं किया है। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें हमको मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ हमें इसमें साथ मिला है और क्या कुछ इस SMD के स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा अगर आप देख पा रहे हो ये जो है इसके बिल वगैरह है और ये सब मेरा एड्रेस वगैरह वो सब, तो इन सब को फिलहाल हम रख देते हैं साइड। जो है हम इस बिल वगैरह को निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसको ओपन करते हैं। तो ये जो है दोस्तों इसका बिल वगैरह है और ये है जो कोरियर की स्लिप है, तो इन सब को हम रख देते हैं एक साइड और करते हैं इस बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स में जो सबसे पहले दोस्तों आपको मिलता है वो मिलता है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, वैसे तो सब कुछ पता होता ही है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो नॉर्मली हम सबको पता होता ही है। तो ये जो है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसको रख देते हैं हम साइड में। पैकिंग जो है काफ़ी अच्छी इन्होंने की हुई है इसकी। और फाइनली जो है ये जो है हमारी SMD। तो फाइनली जो दोस्तों ये जो है हमारी SMD है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिजिटल SMD है, जैसा मैं आपको बता रहा था ये इसमें एक इन्होंने काफ़ी अच्छा फीचर दिया है कि जो ये डिजिटल है और जो मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेंस कर सकती है वो ये है, ये ऑटो और मैनुअल। तो और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। एक जो है इसका स्टैंड है जो कि जो इसकी गन को रखने के लिए काम आएगा, अभी शायद ये इसमें इंस्टॉल होगा। और देखते हैं इसके साथ हमें क्या मिला है। और इसके साथ जो हैं इसकी काफ़ी सारी बिट हैं जो कि आप काम के हिसाब से अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चार इसमें इन्होंने इसके सामने की बिट दी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इस SMD को इंस्टॉल और फिर दिखाता हूँ मैं आपको इस पर कुछ काम करके। सबसे पहले जो है इस पर हम बिट लगा लेते हैं। तो नोजल जो है दोस्तों हमने इसी गन पर कर लिया इंस्टॉल, तो चलिए देखते हैं इस पर कुछ काम करके। तो ये जो है दोस्तों इस SMD का फ्रंट व्यू है और यहाँ पे जैसा आपको और SMD की तरह इस SMD की तरह भी ये जो इसके नॉर्मल रेगुलेटर है जिससे कि हम मैनुअली सेट कर सकते हैं एयर वगैरह को, इससे आप एयर वगैरह को सेट कर सकते हो। ये जो है मैनुअल इसका हीटर है, हीटर वगैरह को आप सेट कर सकते हो। इसमें जो मैं आपको फीचर बताया था ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेंस कर सकती है वो ये है, अगर आप इसको ऑटो कर दोगे तो जो है आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगी। तो अगर आप इसको मैनुअल करके काम करना चाहते हो तो फिर जो है आपको इन दो रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम करते हैं फ़िलहाल इसको ऑन और एक बार जो है फ़िलहाल जो है मैनुअल पे है और क्या है कि इसकी हम एयर को सेट कर लेते हैं और टेम्परेचर को भी जो है हम सेट कर लेते हैं, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस हम कर लेते हैं। एक जो इस SMD की मेरे को अच्छी बात ये लगी कि इसमें जो टेम्परेचर जो है आपको डिजिटल शो होता है, डिजिटल में आपको एक एक्यूरेसी मिलती है, जैसे कि आप IC वगैरह पेस्ट करते हो तो उसमें टेम्परेचर जो है आपको बहुत मायने रखता है। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो तब भी वो पेस्ट नहीं होगी और ज़्यादा कर दोगे तो ख़राब हो जाएगी। तो ये जो है मेरे को इसकी बहुत अच्छी बात लगी।
तो फिलहाल जो है मैनुअल पे काम कर रही है, तो हम मैनुअल पे भी देखते हैं कनेक्ट उतार के, और फिर ऑटो पे भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये चेक करने के लिए ये SMD प्रॉपर वर्क करती है नहीं, तो हम जो है इस कनेक्टर को निकाल के देखते हैं और फिर जो है इसको इस पे लगाएंगे भी, तो उसमें देखते हैं कि ये वाला जो कनेक्टर पिघलता है या नहीं पिघलता है। तो फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हो कनेक्टर जो है बिल्कुल सही है, इसको जो है हम इस SMD से निकाल लेंगे और देखते हैं कि ये पिघलता है या नहीं पिघलता है। जैसे कंपनी दावा करती है कि जो कनेक्टर है वो नहीं पिघलाएगी, तो देखते हैं चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम SMD कर लेते हैं ऑन और इसे कर लेते हैं हम ऑटो मोड में, और अब देखते हैं हम इस पे काम करती है नहीं करती है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो कनेक्टर जो है जला तो नहीं है कहीं से, और जो है काफ़ी सेफली भी उतरा है अगर आप देख पा रहे हो। तो चलिए एक बार जो है हम इसको निकाल के लगा के भी देखते हैं कि ये सही लगता भी है नहीं। तो फाइनली दोस्तों कनेक्टर जो है मैंने लगा दिया है वापस से, और अगर आप देख पा रहे हो कनेक्टर जो है डैमेज हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, फिलहाल भी जो है काम कर सकता है, वो प्रॉपर काम करेगा। अगर आप देख पा रहे हो हल्का फुल्का जो है डैमेज आता ही है, क्योंकि ये एक फैक्ट है जो इसमें प्लास्टिक यूज़ की हुई है, और जो जिंक है प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, और जो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो हल्का फुल्का जो है डिफेक्ट आएगा ही, चाहे कंपनी कितना भी दावा करे कि ये प्लास्टिक को नहीं पिघलाए, क्योंकि बाकी ये है जैसा कि ओवर SMD में होता था ओवर टेम्परेचर का, ओवर टेम्परेचर हो जाता है उससे पूरा कनेक्टर ख़राब हो जाता था, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है इसमें इन्होंने डिजिटल मीटर दिया है, जिससे कि टेम्परेचर जो है हमें शो होता रहता है कि कितना फिलहाल एक्चुअल में टेम्परेचर है। जो हमारी पहले वाली SMD होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें जो है हमें मैनुअली सेट करना पड़ता था, और बहुत बार ऐसा होता था कि एलिमेंट वगैरह अगर ख़राब है उसका, तो जो है फिर उसका टेम्परेचर ओवर हो जाता था। तो दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, SMD जो है ठीक है, जो इसका मुझे सबसे सही फीचर लगा, एक तो ऑटो वाला भी इसका अच्छा फीचर है, और जो इन्होंने टेम्परेचर के लिए एक मीटर दिया है जिसमें डिजिटल शो होता है टेम्परेचर, वो भी एक अच्छा फीचर है। वो ICs वगैरह को रिबोल करने के लिए बहुत काम आएगा, जिसमें मैं आगे आपको वीडियोज़ में दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों अगर आप भी SMD लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको कॉल करके डायरेक्टली अपने घर पर मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।